अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया हुआ है यहां से कि क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले 3 गोलाकार ठोस गेंद को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई, ठीक है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो जाती है, तो नई गेंद का अर्ध व्यास क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, 3 का गोला दिया हुआ है ना, 1, 2, 3। इसका यदि हम रेडियस अर्ध व्यास का मतलब रेडियस यदि इसको 1 मान ले, R1 का मान, तो इसको कितना मानना होगा, 2 मानना होगा, R2 का मान, और इसका जो व्यास होगा R3 का मान हमें 3 लेना होगा, क्योंकि दे रहा है 1:3 के रेशियो में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 इक्वल टू क्या, 1:3। दैट मींस यदि इसका रेडियस 1 मानेंगे, इसका 2, इसका 3 लेना पड़ेगा। यदि इसको 100 मानते हैं, ये 200 और 300 हो जाएगा, तो उसको नहीं लेंगे, सिंपली 1:3 ही लेकर चलते हैं। तो अब देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे कि किसी गोले को पिघलाकर कोई गोला बनाया गया या फिर कोई घन घना बनाया गया, तो यहाँ पर मेनली बात होती है डेंसिटी की। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, यदि हम तीनों को पिघला दें तो फाइनली जो हमारा वॉल्यूम होगा वी, ये कितना हो जाएगा, V1 + V2 + V3। चलिए V1 का मान क्या पुट करेंगे यहाँ से, हमको पता है कि गोले का जो आयतन होता है, होता है 4/3 πr³, 4/3 π1³। उसी टाइप से दूसरे का हो जाएगा 4/3 π कितना, 2³, और ये हो जाएगा 4/3 π³। यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा V है टोटल, वो 4/3 π को कॉमन कर लीजिए, 1³, 2³ मिल जाएगा 8, और 3³ मिल जाएगा 27। कितना हो जाएगा, 27 और 8 35 1 36, यानी कि हो जाएगा 4/3 π × 36। कैंसिल कर लीजिए इसको 12 टाइम्स में, कितना मिलेगा, 48 π³ या cm³ जो भी लेना है। यहाँ से हमको भी इतना मिल गया, ठीक है, यानी कि इतना वॉल्यूम में हमारे पास क्या है, लोहा है या फिर जो भी मेटेरियल हम यूज किए हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि इसका 25% डिस्ट्रॉयड हो जा रहा है, वो किसी ना किसी तरह से क्या हो रहा है, नुकसान हो जा रहा है। तो अब आयतन कितना बचेगा, 25% नष्ट होने के बाद, नष्ट होने के बाद, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, 25% का क्या हो रहा है, नष्ट हो जा रही है। तो 25% जब नष्ट हो जाएगा, अब कितना बचेगा, 9 वी बराबर, अब जो आयतन बचेगा इसका 75% बचेगा, ठीक है, ये हमारा 100% है, 25% क्या हुआ, डिस्ट्रॉयड हो गया, खत्म हो गया। तो कितना बचेगा, अब इसका 75% बचेगा, यानी कि 48 π × 48 π का 75% क्या होगा, बचेगा, बाद बचा हुआ V इतना होगा, यानी कि 48 π × 25/100, 25 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ब्रश हो जाएगा 4 π, यानी कि 4π × 3 कितना हो जाएगा, 12 π³। आ रहा समझ में, चेक करिए फिर से, 75 25 के 100 50 सॉरी एक कैंसिल होगा 12 बार का ना, तो 12 × 3 हो जाएगा कितना, 36 π³। देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था मेटेरियल, ठीक है, 48 π³। अब 25% खत्म होने के बाद में अब कितना बच रहा है, 36 π³। तो अब इसमें 3 गोले हैं, 3 स्पेयर है, लेकिन अब इतने लोहे के मात्रा से हमें सिर्फ एक ही गोला बनाना है, तो उसका रेडियस कितना होगा। चलिए हम मान लेते हैं इसको मैं रफ कर रहा हूं, अब यहां पर इसको मोटा कर लीजिएगा, हम मानते हैं कि 36 π³ से R मीटर का क्या गोला बनाया जा रहा है, इसका हमने क्या मान लिया, इसका मान लिया R, तो इसका जो आयतन होगा, दैट मींस 4/3 π
आर क्यूब एक किसके इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल होगा 36 पाई, पाई का इक्वल होगा आर समझ ना, ए जो है 36 पाई मीटर क्यूब जो है अब कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होगा, क्योंकि इसी मटेरियल के हेल्प से हम एक गोला बनाए हुए हैं जो तीनों को मिलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है। तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या आर का मान, तो पहले पाई से पाई को कैंसिल करिए, तो आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 36 × 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स में, यानी कि आर क्यूब इक्वल टू 9 × 3 दैट मीन्स कितना 27। तो जब आर क्यूब का मान 27 हो गया तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, आर क्यूब इक्वल टू 3³ दैट मीन्स आर का मान कितना 3। आया समझ में, चलिए इसको नोट डाउन करिए यहां पर पहले। दिया हुआ है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दें तथा हर को दुगुना कर दें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न बताना है। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं यहां से हम क्या मान लेते हैं, मूल भिन्न जो है मूल भिन्न को हमने क्या मान लिया x/y। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि हम क्या कर लें अंश में 25% की वृद्धि कर लें, x/y है, तो अब अंश में 25% की वृद्धि करने के बाद में अब ये कितना हो जाएगा x × 100 + 25/100, ये होगा हमारा अंश, और हर कितना है, हर में बोला जा रहा है कि यदि हम हर को दुगुना कर दें तो y से दुगुना कितना हो जाएगा 2y। आ रहा समझ में, अब ये जो है कि कौन हो जा रहा है किसके 5/9 के। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या था कि कोई भिन्न दिया हुआ है, हमने मान लिया को भिन्न क्या है x/y है, अब यदि इस भिन्न के अंश में हम क्या किए 25% वृद्धि कर दे, तो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि कोई संख्या किसी संख्या से x% अधिक है तो उसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, तो 100 में उसको जोड़ देते हैं यदि वृद्धि होता है तो, और यदि कमी होता है तो माइनस कर देते हैं, तो 100 + 25/100 x × 100 + 25/100 ये हुआ अंश में 25% का वृद्धि, और 2 × y की दैट मीन्स हर को दुगुना कर दिए, तो रिजल्ट हमको मिल रहा है 5/9। तो हमको बताना क्या है कि मूल भिन्न क्या था, दैट मीन्स x/y का मान हमको क्या करना है, इसका मान बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हमको दे देगा कितना x × 100 + 25 125/100 और ये हो जाएगा 2y = 5/9। कैंसिल करिए 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, ये हो जाएगा 5x और 4 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 8y = 5/9। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो x/y होगा, देखिए 5/9 इधर तो पहले से था, 5/9 पहले से है, अब एक जो 5 के साथ में x मल्टीप्लाई है वो कहां आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, और जो यहां पर 8 डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा कहां पर चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आ रहा समझ में, ए जो है 5 डिवाइड में चला गया और 8 मल्टीप्लाई में, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां से कितना मिल जाएगा फाइनली 8/9। x/y का मान कितना मिल गया, यहां से बोल सकते हैं x/y = 8/9, ये हुआ हमारा आंसर। चलिए ऑप्शन मिलाइए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो गया हमारा सी, नोट डाउन करिए इसे। दिया हुआ है कि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि कर दे तो परिणाम भिन्न हो जाता है 1 × 1/20, तो मूल भिन्न बताना है। चलिए मानते हैं यहां से हम मूल भिन्न क्या मान लेते हैं, वही x/y जस्ट पहले वाला। अब दिया जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं x में 200% की वृद्धि, अंश में 200% का वृद्धि, दैट मीन x × 100 + 200 / क्या करेंगे 100, और हर के लिए बोला जा रहा है कि हर में हम क्या करें 4% की वृद्धि कर दे, तो y × 100 + 400/100। आपको लिखना ये आ चुका होगा, कैसे हम लिख रहे हैं समझ में आ चुका होगा ये, और एक किसके इक्वल हो जा रहा है, ये इक्वल हो रहा है 1 × 1/20, कितना मिल जाएगा 20 × 21 के इक्वल है, हमको x/y का मान बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ए हो जाएगा x × 300/100 और ये हो जाएगा y ×
500 बटे में 100, 000 इसके साथ और ये 00 इसके साथ इक्वल टू दिया हुआ है 21 बटे में 20। चलिए ये कितना हो चुका 3x बटे 5y, ऐसे में 3x बटे 5y इक्वल टू 21 बटे में 20। तो ये कैंसिल कर लेंगे, 3 × 7 = 21 और 5 × 4 = 20, यानी कि x कौन y का मान कितना मिल गया 7/4 आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा हुआ सही हमारा 7/4 का मतलब क्या 1 × 3/4 हो गया है ना, इसको बोल सकते हैं 1 × 3/4 यानी कि ऑप्शन ए, नोट डाउन करिए इसे। क्वेश्चन लेते हैं हम, ये दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं तीसरी संख्या 30% 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत बताना है। ठीक है, क्या दे रहा है कि तीन संख्या है, फर्स्ट यहां पर दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक है, और एक थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर को हम यहां पर लिखते हैं, थर्ड नंबर यहां लिखते हैं, ठीक है ना। तो दिया क्या है कि दो संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो किससे अधिक है, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या को हमने क्या मान लिया, सपोज इसको हमने मान लिया 100 है ना, लेट ये क्या है ए 100 है, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा इससे 30% अधिक होगा है ना, तो 30% अधिक कितना हो जाएगा 100 × 100 + 30/100, 100 कैंसिल कितना हो जाएगा, पहला संख्या 130 और जो दूसरा संख्या है तीसरा संख्या से क्या है 40% अधिक है, ये हो जाएगा हमारा 100 × 100 + 40/100, 000 कैंसिल कितना 140। तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, है ना। तो हमने मान लिया कि पहली संख्या जो है फर्स्ट नंबर जो है वह सेकेंड नंबर का 1% है। यही पूछा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, हमको नहीं पता है, हमने मान लिया कि वो दूसरी संख्या का 1% है। चलिए मान फुट करिए, फर्स्ट संख्या कितना है, देखिए 130, दूसरी संख्या का 1% यानी कि 140 का 1%। यहां से बोल सकते हैं 130 बराबर 140 × 100 जीरो से जीरो कैंसिल, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। यहां से बोल सकते हैं x का मान कितना 130 × 5/7 यानी कि 100 × 13/5 = 65, 650/7%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हुआ हमारा, यहां से ऑप्शन सही हो जाएगा बी। इसको लिख सकते हैं क्या, इसको पूर्णांक में लिखा हुआ है 92 × 6/7%। चलिए नोट डाउन करिए इसे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ये दिया हुआ है 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। एक क्वेश्चन हम करा चुके हैं इस टाइप के थ्योरी में, 1/2% का क्या बनाना है दशमलव भिन्न में। तो इसके लिए हम बताया कि जब भी दशमलव भिन्न में बनाना होगा हम क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इतना हो जाएगा। दैट मीन्स 1/2 को क्या लिखेंगे, 0.5/100 हो जाएगा 0.005। अरे समझ में, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन दे रहा है कि यदि वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है, दैट मींस R1 क्या है +10% की वृद्धि होती है, फिर इसके उपरांत 20% की वृद्धि होती है, फिर क्या हो रहा है इसके बाद में R2 जो है ये भी 20% की वृद्धि हो रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है, 20% की वृद्धि हो जाए तो कुल वृद्धि 20% की वृद्धि होती है, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है तो प्रारंभिक मूल्य बढ़ाना है, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अंतिम मूल्य बराबर क्या होता है प्रारंभिक मूल्य, अंतिम मूल्य बराबर यहां से हम बोल सकते हैं प्रारंभिक मूल्य 100 + -R1/100
सो प्लस माइनस आर टू अपॉन 100, इस टाइप से हम आगे चलते चले जाते हैं। चलिए अंतिम मूल्य दिया हुआ है कितना, अंतिम मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में 33 रुपया दिया हुआ है, प्रारंभिक मूल्य बताना है, हमने मान लिया x 100 प्लस लेंगे क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, 100 प्लस 10 बटे 100 और ये हो जाएगा 100 प्लस 20 बटे 100, ठीक है, ये हो जाएगा 33 बराबर x गुणे 110 बटे में 100 और 120 बटे में 100, 20 छक 20 पांच 100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, तो x का मान कितना 33 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन में 6 इंटू 11, तो यहां से कैंसिल कर लेंगे, 2 की जाए 6, 2 पांच 10, 3 से कैंसिल करेंगे 11, 11 से 11 कैंसिल, x का मान यहां से कितना मिल जाएगा, x का मान हो जाएगा 5 गुणे 5 यानी कि 25 रुपया, इसका क्या प्रारंभिक नहीं हाँ प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा 25 रुपया। तो ये नोट